राम और राम के जो भी बच्चे फॉलोअर्स होंगे सूर्यवंशी, भगवान बाप के रहने के बाद उनकी आंखें खुल जाती है कि ये सारी सृष्टि में कर्म प्रधान रचा हुआ है, कर्म की गुह्य गति सिर्फ भगवान आकर के बताता है। कर्मों की गुह्य गति के बारे में मनुष्य आत्मा को कोई पता नहीं होता, कौन से कर्म हुए हैं जिसके आधार पर मनुष्य नीचे गिरता है, और कौन से कर्म हुए हैं जिनके आधार पर मनुष्य ऊंचा उठता है, ये पूरा हिसाब किताब बाप आकर के बच्चों को समझाते हैं। अब जो बाप को फॉलो करते हैं वो प्राप्ति करते हैं, बाप को न पहचानने के कारण बाप की जगह दूसरी मनुष्य आत्माओं को फॉलो करने लग पड़ते हैं या मनमत पर चलने लग पड़ते हैं, तो वो पूरी प्राप्ति नहीं कर पाते। पूरी प्राप्ति का क्या मतलब है? 21 जन्म की प्राप्ति पूरी प्राप्ति है या 84 जन्म की प्राप्ति पूरी प्राप्ति है? जो बाप आकर के 21 जन्म का वर्षा देते हैं या 21 जन्म के आधार पर 84 जन्म का भी वर्षा मिल जाता है? 21 जन्म का तो पूरा पूरा वर्षा मिलता है, लेकिन 21 जन्म के लिए जो पुरुषार्थ किया गया है उस पुरुषार्थ की जो गति है, जिस आत्मा ने जैसी स्पीड पकड़ी है और जिस तरह पकड़ी है वो आत्मा में उस तरह के संस्कार समा जाते हैं, संग बिंदु। मान लो 100% योग बल की गति पकड़ी है तो रिजल्ट क्या होगा? 100% प्राप्ति होगी, 21 जन्म तो 100% प्राप्ति, और बाकी जो 63% है 63 जन्म, उन 63 जन्मों में हर आत्मा, चाहे कोई भी मनुष्य आत्मा हो, कितनी ही पावरफुल क्यों न हो, राम कृष्ण की ही आत्मा क्यों न हो, कागर की कोठरी में कैसो हु सयानो जाए, एक लीक कागर की लागी है पहला गया। मनुष्य आत्माएं आत्माएं तो है, द्वापर कलयुग में वो परमात्मा नहीं बन सकती, राम की ही आत्मा क्यों न हो, वो पावरफुल तो बनेगी। इब्राहिम का इस्लाम धर्म आएगा, इस्लाम धर्म की ढेरों आत्माएं उतरेंगी, उनके प्रभाव में नहीं आ गई। उसके बाद भी जो जो धर्म पिताएं आते हैं उनके भी प्रभाव में नहीं आ गई। आखिरी फिर भी तो मनुष्य आत्मा है, टकराने की भी कोई सीमा होती है, टकराते टकराते कहीं तो हवा निकलेगी, माया रूपी रावण किसी को छोड़ता है क्या? ऐसा तो कोई शक्ति पे अहंकारी नहीं है जो ये कहे कि हमने माया रूपी रावण से कभी भी हार नहीं खाई, कोई हो सकता है?
नहीं हो सकता। क्यों क्यों नहीं हो सकता? एक तरफ भगवान और दूसरी तरफ माया। माया के चंबे में सारी दुनिया क्यों आना चाहिए? इसलिए आना चाहिए क्योंकि भगवान बाप की माया बड़ी बेटी है। क्या? बड़ी बेटी। मायावी रूप है। रावण ने भी कैसा रूप धारण किया था सीता को चुराने के लिए? मायावी रूप। भले माया राक्षसी है लेकिन बाप की बेटी है, वो बड़ी किस आधार पर बन गई? और इतनी बड़ी बन गई कि जो बाप की पावर है वो पावर धारण कर ली। कौन सी? समान समान है, सेम सेम। क्या? जितना बाप का शक्ति उतना ही माया की शक्ति। सर्वशक्तिमान की सर्वशक्तियां माया ने धारण कर ली। बाप भी सर्वशक्तिमान और माया भी सर्वशक्तिमान, ये कैसे हो गया? माया कैसे सर्वशक्तिमान हो गई बाप के समान सर्वशक्तिमान है? बाप से पावर लेते हैं, बच्ची है वो। बच्चा तो राम बाप है, बुद्धि से सरेंडर करते हैं। माया जो है जब सरेंडर होने का असली टाइम आता है और बाप की प्रत्यक्षता होती है तो सबसे पहले माया सरेंडर होती है। कोई तन से सरेंडर हो जाते हैं, तन की इंद्रियों से सरेंडर हो जाते हैं, तन के संबंधियों से सरेंडर हो जाते हैं, संपत्तियों को भी सरेंडर कर देते हैं ईश्वरीय सेवा में, अपने धन से पूरे सरेंडर हो जाते हैं, लेकिन मन बुद्धि से पूरे सरेंडर नहीं होते। अभी भी ऐसे ही, अगर हुए होते तो जितना अर्पण में उतना दर्पण पावरफुल हो जाता और सर्वशक्तिमान की शक्तियां आत्माओं को प्राप्त हो जाती। एक ही बच्चा और एक ही बच्ची, बच्चे को भी पहले बच्ची से युद्ध करना पड़ेगा। क्योंकि बच्चा भी कुछ बुद्धि चलाने वाला होगा, पूरा सरेंडर नहीं होता। पूरा सरेंडर हो जाए तो जिस बच्चे में सुप्रीम सोल बाप प्रवेश करता है वो बच्चे की यादगार पत्थर का लिंग न बना।